हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अरेस्ट है। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंटर एरर की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रिंटर एरर क्यों आता है ये बता देता हूँ कि जब भी आपके अगर नया प्रिंटर है आपके और आप उसमें सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल नहीं करोगे उसके साथ जो सीडी आती है आपको, जैसे एचपी का होगा तो एचपी आपको प्रोवाइड करवाएगी एक सीडी, अगर ब्रदर का होगा तो ब्रदर एक आपको सीडी प्रोवाइड करवाएगी। तो सबसे पहले वो इंस्टॉल करना है हमें सीडी को। सीडी को इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली उस तरीके से नहीं होता है तो क्या करना है, हमें मैनेज द स्पेसिफिकली राइट क्लिक करके मैनेज पर चलना है। मैनेज पर मैंने ऑलरेडी खोल रखा है तो मैं इसमें खोल लेता हूँ। मैनेज पर चलने के बाद हमें क्या है, डिवाइस मैनेजर पर चलना है। डिवाइस मैनेजर पर चलने के बाद आपको प्रिंटर्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट IPP क्लासिक ड्राइवर इसको क्या करना है, एक बार अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद मैं इसमें सर्च ऑटोमेटिकली फॉर दिस ड्राइवर पर क्लिक करना है। इसमें बताएगा द बेस्ट ड्राइवर हैज बीन योर डिवाइस इज ऑलरेडी इंस्टॉलेड, ये आपको इसमें बताएगा। तो इसे कर लेते हैं हम क्लोज। इसे भी आपका नहीं होता है तो क्या करना है, आपको प्रिंटर को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे इसे जाके यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ऊपर क्रोम में भी आप टाइप कर सकते हो इंस्टॉल ए प्रिंटर इन ए विंडोज़, तो इसकी ऑफिशियल साइट है माइक्रोसॉफ्ट की, वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे विंडोज़ 11 है मेरा, तो आपके अगर 10 है तो 10 में इस पर अलग दे रखा है और 11 में आपको अलग दे रखा है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट स्मार्ट सेटिंग्स, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट स्टार्ट, स्टार्ट के बाद में सेटिंग्स, सेटिंग्स के बाद में डी यानी ब्लूटूथ एंड डिवाइस, और इसके बाद में प्रिंटर और स्कैनर्स, ठीक है। उसके बाद में हमें दे रखा है ओपन प्रिंटर एंड स्कैनर सेटिंग, ऐड है प्रिंटर और स्कैनर, यानी नया ऐड करना पड़ेगा आपको, तब जाके वो इंस्टॉल होगा। आपने अगर ड्राइवर इंस्टॉल किया है सीडी से और फिर भी नहीं हो रहा है तो ये प्रोसेस है आपके लिए। तो सिंपली एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ इसे सेटिंग को, ये हमारी यहाँ पे विंडोज़ की जो सेटिंग है वो ओपन हो गई है। मेरे इतने सारे ड्राइवर इंस्टॉल है तो हमें क्या करना है, मैं आपको वापस बता देता हूँ एक बार शुरू से बताने के लिए मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, इसे भी क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं चलता हूँ कंट्रोल पैनल के अंदर। कंट्रोल पैनल के अंदर चलने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी में, यहाँ पे हमें चलने के बाद में यहाँ पे सिस्टम्स के अंदर चलना है। सिस्टम में चलने बाद में ये सेटिंग हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें चलना है ब्लूटूथ एंड डिवाइस में, यहाँ पे हमें चलना है ये एड डिवाइस पे, यहाँ पे एड एज डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कैमरास प्रिंट एंड यूएसबी, ये आपका प्रिंट और स्कैनर का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो मेरे यहाँ पे इतने सारे स्कैनर और प्रिंटर्स कनेक्टेड है, तो हमें क्या करना है, सिंपली आपका अगर एड नहीं हो रखा है तो एक बार ये काम नहीं कर रहा था इसे, एक बार यहाँ से रिमूव करके वापस यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड डिवाइस पे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करने लग जाएगा कि ये डिवाइस आपका कनेक्ट है। मेरा अभी कोई कनेक्ट नहीं है इसलिए ये बता रहा है। तो इस प्रकार से आप इसे शो कर सकते हो। अगर तो भी नहीं होता तो आप मुझे मेल आईडी पे मेल करके आपकी क्यूरी सेंड कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको दे